गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। रियली सॉरी, वो जो मैंने आपको बोला था कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ कि मैं इनर्ट पेरिफेक्ट समझा दूंगा, बट वो टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो वहीं स्टॉप करना पड़ा। और अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में पढ़ना इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको क्लास 11 तो ठीक है, क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये जो इफेक्ट है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लगता है। दिस इफेक्ट इज एक्टिव ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारी बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। अब NS में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन फैमिली के, हम लोग जानते हैं 2, और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 3। हम इसको यूजुअली +3 लिखते हैं, लेकिन ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अलावा भी यहां पर आपको एक और एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है, और वो एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली इससे 2 यूनिट्स कम होती है। 2 यूनिट्स कम होने का मतलब है ये कितनी होगी 1 होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह अगर मैं आप लोगों से बात करूं कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट NSNP फॉर्मूला के हिसाब से 2 + 2 यानी कि +4 होती है, और इसकी एक और एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 2 यूनिट कम +2 होती है। ठीक उसी तरह अगर मैं आप लोगों से एक रफ एग्जाम्पल लेकर नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, तो नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को +5 दिखेगी NSNP फॉर्मूला के हिसाब से। उसके p ऑर्बिटल में 3 और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2, 5। इसकी एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इससे 2 यूनिट कम यानी +3, और इससे भी 2 यूनिट कम यानी कि +1। यानी आप यहां पर देख रहे हो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी इन फैमिली के मेंबर्स दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम होती है, +5 से 2 यूनिट कम, +3 से 2 डिजिट या 2 यूनिट कम, +1। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? तो हर फैमिली का मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बोरॉन फैमिली में शो करेगा, वो +1 भी शो करता है। कार्बन फैमिली में +4 के अलावा +2 भी शो करता है। नाइट्रोजन फैमिली में +5 के अलावा +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। दूसरी खास बात, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ऊपर के टॉप वाले जो लाइट एंड स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं वो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन फैमिली का लाइटर एलिमेंट कौन है, बोरॉन फैमिली में सबसे लाइट एलिमेंट कौन है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। तो अगर हम बात करें कि बोरॉन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेगा वो बोरॉन बहुत अच्छी शो करेगा, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बोरॉन से थैलियम की तरफ जाते वक्त ये ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आपका बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो मोर स्टेबल होगा, यानी बोरॉन मोर स्टेबल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन थैलियम लीस्ट स्टेबल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में बोरॉन BF3 नाम के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको स्टेबल दिखाई देगा। लेकिन अगर अपन बात करें TLCl3 की, तो यहाँ पर टेलुरियम पे +3 है, तो ये मॉलिक्यूल लीस्ट स्टेबल रहेगा। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब थेलियम ज़्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई ही नहीं देगा। और मैंने आपको क्या कहा, ये लोग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी। मतलब यहाँ वाले केस में बोरॉन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लीस्ट स्टेबल रहेगा, लेकिन थेलियम यहाँ पर मोस्ट स्टेबल रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मतलब जो छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बड़े एलिमेंट शो करते हैं, और जो ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो छोटे एलिमेंट्स शो करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये वाला फैक्टर समझ में आया? तो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट काम क्या करता है, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है हर ग्रुप के एलिमेंट्स अपनी ग्रुप वैलेंसी या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे बोरॉन की +3, उसके अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1, जो कि इससे 2 यूनिट कम है। दूसरी खास बात, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन, एल्यूमिनियम ये ज़्यादा अच्छी शो करेंगे, लेकिन गैलियम, इंडियम और थेलियम पर स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती चलेगी। वैसे ही बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा अच्छी शो नहीं करेंगे, लेकिन गैलियम, इंडियम और थेलियम इसमें स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते जाएंगे, और थेलियम तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? वो कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट रीजन इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास में बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहां पर ये इसका 1s ऑर्बिटल है, यहां पर इसका 2s ऑर्बिटल है, और यहां पर इसका 2p ऑर्बिटल है। वहीं अगर मैं इसके साथ में बनाऊं थेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 81 है, तो पहले मेरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा 4f14, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये इसमें मैंने क्या करे, 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे। 4d के बाद क्या आता है बच्चों, टेलुरियम में याद, थेलियम में याद करो, अपन ने बोला था 6s और 6p के बीच में 4f भरते हैं, 4f के बाद 5d, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5d के बाद आप भरते हैं 6s और फिर आपको दिखता है 6p। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसमें अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने की कोशिश करते। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर मतलब क्या होता है एक्चुअली, जब कभी भी आपको s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दिखे और जब कभी भी आपको p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दिखे, आप एक बात ध्यान रखना, इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। दे अप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है या अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो ये बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाते हैं, उसको दूर की ओर, बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में दिखाई दे या अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल्स में दिखाई दे तो ध्यान रखना, मैं ये पिछले वीडियो में बता चुका था जब मैं आपको ट्रेंड से समझा रहा था कि d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा लगाया जाता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत घटिया, बिल्कुल ना के बराबर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। अब होता क्या है, जब एटम छोटा होता है यूजुअली उनके अंदर d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। जैसे यहां पर अपन बात करें बोरॉन, और बोरॉन के बाद अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के अंदर आपको यहां पर 2s भरा हुआ दिखेगा, एल्यूमिनियम के अंदर यहां पर आपको 2pb भरा हुआ दिखेगा, फिर 2p के बाद आपको 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और 3p के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये हो गया अपना एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम का 1s भी मैंने बना दिया। अब यहां पर क्या होगा देखो, क्योंकि एल्यूमिनियम में कोई d और कोई f ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर ये वाला केस खत्म हो गया। लेकिन जब आप इस 3s और 3p को देखोगे तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? ये हो गए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए ये। अब इनको स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा? इनके अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के अंदर कौन है? 2s और 2p। और देखो 2s और 2p में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और मैं बता चुका हूं कि ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d और सबसे कम f। तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल मिलकर किस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे? 3s पर। लगातार ये किसको स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे? 3s पर। ये 3s को क्या बोलेंगे? हाइट, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2s और 2p क्या करेंगे? 3s को रिपेल करेंगे। अब 3s बोलेगा यार बहुत रिपल्शन आ रहा है, बहुत रिपल्शन आ रहा है। यहाँ पर इस 2s को कौन रिपेल करेगा? अंदर से ये 1s, s ऑर्बिटल का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये 2p बोलेगा यार मेरे को बहुत रिपेल कर रहा है 1s, यार मेरे को 1s बहुत रिपेल कर रहा है, मैं क्या करूं। तो ये बोलेगा अपने पास 3p में तो जगह खाली है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा और जंप करके 2p में यहां पर आकर बैठ जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां बैठ जाएगा रिपल्शन की वजह से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नाउ सी, बोरॉन के पास 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो गए। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बोरॉन? +3। एल्यूमिनियम के पास भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कौन सा कॉन्फिगरेशन शो करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा +3। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? कोई दिक्कत? लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो किसके अंदर? थेलियम के अंदर। तो बच्चों थेलियम के अंदर इस 6s 6p वाले वैलेंस शेल को कौन रिपेल कर रहा है? 5d। 5d के अंदर कौन है? 4f। और ये दोनों बेचारे कैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या ये दोनों मिलकर भी इस 6s को रिपेल कर पाएंगे? नहीं। अब इस 6s पर इन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से ये 2s और 2p 3s पर दबाव बना रहे थे कि तू जा, यहां पर ये चीज नहीं हो पाएगी। यहां पर 5d और 4f में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से, मतलब आप बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इनफैक्ट आपने न्यूक्लियस को पावरफुल कर दिया, और न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल्स को उल्टा क्या करेगा? अंदर की ओर खींचना चालू कर देगा। तो न्यूक्लियस के पावरफुल होने की वजह से और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर होने की वजह से ये 6s का ऑर्बिटल अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने से मना कर देगा। यहां पर क्या होगा? 6s इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गेट अनपेयर्ड। ये बिल्कुल भी पेयर्ड नहीं होंगे, साफ साफ मना कर देंगे पेयरिंग से, अनपेयरिंग से सॉरी, साफ साफ मना कर देंगे और एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस वजह से थैलियम के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? सिर्फ एक। तो ये सिर्फ कौन सा कंपाउंड बनाएगा? +1 +3 पर जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जाने से मना कर देगा। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट मींस 6s ऑर्बिटल, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप लोग क्या बोलेंगे? ns ऑर्बिटल। वैलेंस शेल का जो ns ऑर्बिटल है उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट अनपेयर्ड, उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे। एंड देयरफॉर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? एंड देयरफॉर विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और इसीलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की मना करने की वजह से +3 की जगह अब क्या दिखेगा? +1। तो आपको समझ में आया वाई हम लोग हमेशा 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चलते हैं, क्योंकि एनएस के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब समझ में आया कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि उसमें उसमें s और p ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, तो वो अनपेयरिंग हो जाती है वैलेंस शेल की और वो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। बड़े एलिमेंट्स में d और f ऑर्बिटल के आने की वजह से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है और उल्टा इनको न्यूक्लियस खींचना चालू कर देता है। तो ये 6s अंदर की तरफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने से मना कर देगा। ये बोलेगा क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं लग रहा है अंदर से, मैं अनपेयरिंग नहीं करूंगा, इसलिए बेचारे इसको अकेले को बस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा? 1। एंड बच्चों दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ आई होप आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, कार्बन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की, जब आप नेक्स्ट ईयर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हेलोजन्स पढ़ोगे तब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोगों को और इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं बोर्ड के सामने से हटूंगा, आप लोग प्लीज इसे नोट करेंगे। एंड वीडियो को गाइस लाइक जरूर करो, अगर देखते हो पसंद आता है तो लाइक करने में क्या जाता है, बस एक लाइक के बटन पर क्लिक ही तो करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।